Good afternoon, students. Now I'm coming to the Rangikuta method. Now this method is very, very, very important from examination point of view, right? So please, you're requested to solve at least some problems based on this question. I'll upload your problem sheet also, your important questions from examination point of view also. Meantime, हमने first order Rangikuta method देखा था, that was Euler method. Now I'm discussing the second order Rangikuta method. राइट सो अगेन हमें क्या सॉल्व करना है, हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है विच हैव इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. तो हम जैसे हमने अभी तक किया है, हम इंटरवल एक्स नॉट एक्स एन को एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे विथ एच सच दैट एक्स आई क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस आई एच. नाउ अगेन हम सेकेंड ऑर्डर भी मेथड कर रहे हैं, ठीक है. तो इसमें सीरीज ऑफ फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज आर वेरी इजी बट यू हैव टू लर्न देम रिलीजियसली. यू सी अब यहाँ पे हमारे पास y ऑफ x नॉट हमें दिया हुआ है. सो इफ वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन एट x इज इक्वल टू x1, तो व्हाट द फॉर्मूला सेज, पहले हम k1 निकालेंगे. k1 क्या होता है, h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट. हमें वैल्यू किस पे निकाली है, अब x1 पे. तो हम वैल्यूज कौन सी यूज करेंगे, x नॉट वाली. सो k1 पहले निकालेंगे, k1 क्या हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट. k2 क्या हो जाएगा, अब सिर्फ हम k2 निकालेंगे, k2 विल बी h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के वन. तो मीन्स एच इंटू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स नॉट प्लस एच, एच आपको पता है, वाई नॉट प्लस के वन. के वन हमने अभी यहां निकाला था, वो वैल्यू को हम यूज करेंगे. फाइनली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई वन, वाई वन विल बी वाई नॉट प्लस हाफ ऑफ के वन प्लस के टू. राइट, दिस इज, ये है आर के मेथड, रंगेकुटा मेथड ऑफ ऑर्डर टू. सिमिलरली राइट, इस स्टेप्स को एक बार दोबारा करते हैं. अगर हमें वैल्यू चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, फिर से हम वही स्टेप्स करेंगे. पहले हमने एक्स नॉट्स की वैल्यू यूज करी थी, अब हम एक्स वन की वैल्यू यूज करेंगे. तो के वन किसके इक्वल हो जाएगा, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स वन वाई वन. के टू किसके इक्वल हो जाएगा, एच इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस के वन. तो वाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, वाई वन प्लस हाफ ऑफ के वन प्लस के टू. सब कुछ सेम है, सिर्फ पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं. तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला इसका आपको दूं, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, तो k1 किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आपने वैल्यू किस पर निकालनी है, n प्लस वन पे, तो k1 किसके इक्वल हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन. के टू किसके इक्वल हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच वाई एन प्लस के वन. एंड वाई एन प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा, वाई एन प्लस हाफ ऑफ के वन प्लस के टू. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रंगेकुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर टू. ठीक है, पेपर में ऐसे आता है, सॉल्व दिस यूजिंग रंगेकुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर टू. तो ये तीन इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए. तो दोबारा मैं कह रही हूं, के वन किसके इक्वल होगा, एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन. के टू किसके इक्वल होगा, एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच वाई एन प्लस के वन. वाई एन प्लस वन किसके इक्वल होगा, वाई एन प्लस हाफ के वन प्लस के टू. राइट, सिमिलरली हमारे पास है रंगेकुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर थ्री. पहले वो ऑर्डर टू क्यों था, क्योंकि पहले हमने के वन के टू निकाले थे, उनकी हेल्प से हमने वाई एन प्लस वन निकाल लिया. अब ऑर्डर थ्री में हम क्या करेंगे, थोड़ी बेटर इम्प्रोवाइजेशन है, के वन के टू के थ्री निकालेंगे और इनकी हेल्प से वाई एन प्लस वन निकाल लेंगे. राइट, तो वॉट इज द फॉर्मूला, अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस होल फॉर्मूला. सो वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू, सो वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन बाय सिक्स के वन प्लस फोर के टू प्लस के थ्री. राइट, वेयर के वन क्या है, एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन. के टू क्या है, एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच बाय टू वाई एन प्लस के वन बाय टू. एंड के थ्री क्या है, एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच वाई एन माइनस के वन प्लस टू के टू. राइट, आई रिपीट, के वन क्या है, एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, ये वैल्यूज हमारे पास है. के टू क्या है, एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच बाय टू वाई एन प्लस के वन बाय टू. के वन हमने यहां निकाल लिए. और के थ्री किसके इक्वल होगा, एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच वाई एन माइनस के वन प्लस टू के टू. राइट, सो बिफोर आई मूव टू द रंगेकुट्टा मेथड क्वेश्चन,
राइट, लेट अस टेक रंगीगुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4। अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास वाई एन प्लस वन को निकालने के लिए के वन के टू के थ्री के फोर आ जाएंगे। सो प्लीज यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मुला वेरी केयरफुली। बहुत सीधा एक क्वेश्चन आता है इसमें, राइट डायरेक्ट। तो अगर ये क्वेश्चन आपको याद है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपने वैल्यूज बिठानी है इस फॉर्मुला में। तो वाई एन प्लस वन किसके इक्वल होता है, वाई एन प्लस वन बाय सिक्स के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर। सो यू सी के वन प्लस के फोर फर्स्ट एंड लास्ट टू टाइम्स द मिडल, राइट। के वन सेम है एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, के टू मिड पॉइंट्स पे एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच बाई टू वाई एन प्लस के वन बाई टू। के थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच बाई टू वाई एन प्लस के टू बाई टू, राइट। एंड के फोर किसके इक्वल हो जाएगा, एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच वाई एन प्लस के थ्री। यू सी यहाँ पे मिड पॉइंट्स पे जंप कर रहे हैं, सो एक्स एन था वाई एन था, एक्स एन प्लस एच बाई टू वाई एन प्लस के वन बाई टू, देन एक्स एन प्लस एच बाई टू वाई एन प्लस के टू बाई टू, देन एक्स एन प्लस एच एंड वाई एन प्लस के थ्री। तो यहाँ के वन बाई टू के टू बाई टू और यहाँ पे सिर्फ के थ्री। सो दिस इज आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4, राइट। लेट अस टेक वन क्वेश्चन ऑन दिस आर के मेथड। सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन ऑन सेकेंड ऑर्डर मेथड, राइट। सो आर के मेथड सेकेंड ऑर्डर, सपोज हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई ऑफ वन इज फाइव। तो अगर हम देखें एक्स नॉट कितना है वन, वाई नॉट कितना है फाइव, ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स वाई इज गिवन एज, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई के। तो हमें क्या करना है, हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। इन द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द इंटरवल 1, 1.5। तो अब देखो हमें शुरू कहाँ से करना है, 1 से, हमें कहाँ तक जाना है, 1.5 तक जाना है, ठीक है। और हमें अब ऑब्वियसली क्या लेना है, हमें जंप्स लेनी है, हमें एच के साथ शिफ्टिंग करनी है। तो इस क्वेश्चन में एच नहीं गिवन है हमें, तो हमें एच खुद से अज्यूम करना है, ठीक है। जनरली हम एच को बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं लेते, बहुत छोटा लेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगी, बहुत बड़ा लेंगे तो हमारी अप्रोक्सीमेशन अच्छी नहीं आएगी। तो जनरली हम अगर हमें एच नहीं गिवन है तो हम एच को 0.1 चूज कर लेते हैं, एच इज 0.1, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। अब हमें एक्स नॉट गिवन है, एच हमने क्या लिया 0.1, तो x1 कितना हो जाएगा, x0 प्लस h, तो मीन्स 1 प्लस 0.1, 1.1। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ y एट x1, मीन्स वैल्यू ऑफ y एट 1.1। देखो हमें कहाँ तक जाना है, 1.5 तक जाना है, फिर 1.1 पे वैल्यू निकल गई, फिर हम 1.2 पे निकालेंगे, 1.3 पे निकालेंगे, 1.4 पे निकालेंगे और 1.5 पे निकालेंगे। सो दीज विल बी टू स्टेप्स, सो फाइव स्टेप्स। सो लेट अस लेट मी टेल यू, आई विल टेक फर्स्ट टू स्टेप्स। सो स्टेप वन, के वन किसके इक्वल है, एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, तो एच आपको पता है, देन एक्स नॉट कितना था आपका 1, वाई नॉट कितना था 5, फंक्शन कितना था एक्स इंटू वाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एक्स नॉट वाई नॉट को, सो 1 इंटू 5 तो 0.5। के टू क्या था, एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट कितना था 1, एच कितना था 0.1, तो क्या हो गया 1.1। एंड सिमिलरली वाई नॉट कितना था आपका 5 और के वन कितना आया 0.5, सो वाई नॉट प्लस के वन, सो 5 प्लस 0.5, सो 5.5, राइट। तो फंक्शन क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास के टू की वैल्यू आ गई। तो वाई वन क्या होता है, वाई नॉट प्लस हाफ ऑफ के वन प्लस के टू। तो अगर मैं वाई नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5, हाफ प्लस हाफ ऑफ के वन, के वन कितनी है 0.5, के टू कितनी है 0.605, ये वैल्यूज बिठा के वाई ऑफ 1.1 कितनी आ गई 5.552। सिमिलरली सेकेंड स्टेप क्या होगा, अब y ऑफ x2 निकाल लेंगे हम, ठीक है। x1 कितना हो जाएगा 1.1, y1 कितना है 5.552। तो अब इसमें पहले क्या था, x0 y0 था, अब k1 कितना आ जाएगा, h इंटू एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, के टू इंटू एच ऑफ एफ ऑफ एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस के वन, एंड y2 कितना हो जाएगा, y1 प्लस हाफ ऑफ k1 प्लस के टू। तो ये सारी वैल्यूज हैं आपके पास, आपके पास y2 निकल जाएगा, सिमिलरली y3 निकल जाएगा, y4 निकल जाएगा, और तब तक करते रहेंगे जब तक हमें जो डिजायर्ड है वो नहीं मिल जाता।